लगभग 1000 साल पहले की बात है, तब दुनिया के नक्शे में सबसे केंद्र में होता था जेरूसलम, क्योंकि लोग मानते थे कि जेरूसलम न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर एक सुबह आई, एक आदमी अपने बिस्तर से उठा और चल पड़ा। जब रुका, 24 साल बीत चुके थे। उसके कदमों ने नाप डाली थी 8000 किलोमीटर धरती। यात्रा के अंत में उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने चीन और भारत का जिक्र किया। इस किताब के हिसाब से एक नया नक्शा बना जिसने दुनिया उलट पलट दी। किताब में यही नहीं था, उसमें जिक्र था मंगोलों का, चंगेज खान के वंशज जो इतने खूंखार थे कि दुनिया की 11% आबादी खत्म कर डाली थी। इस किताब में जिक्र था भारत में चीलों की मदद से होने वाली हीरों की खेती का, मंत्रों से खोजे जाने वाले मोतियों का, और एक ऐसी रानी का जो तमाम राजाओं से बेहतर थी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं तारीख। तारीख में आज हम आपको सुनाएंगे कहानी इतालवी यात्री मार्को पोलो और उनकी भारत यात्रा की। पंद्रह सितंबर 1254, इटली का वेनिस शहर। एक व्यापारी के यहाँ जन्म हुआ मार्को पोलो का। इसी समय पिता निकोलो पोलो एक लंबी यात्रा पर चीन गए हुए थे। वर्षों बाद जब वो वापस लौटे तो अपने साथ चीन से सोने की गिट्टी लेकर आए। 1 फुट लंबी और 3 इंच चौड़ी ये गिट्टी असल में एक तरह का पासपोर्ट थी जिस पर लिखा था स्वर्ग की ताकत से खान का नाम पवित्र हो, जो उस पर श्रद्धा ना करे वह मार डाला जाए। इस पासपोर्ट के साथ निकोलो पोलो चीन में कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद थे। मंगोलों के वंशज कुबलई खान का इस वक्त तक चीन पर राज हो चुका था। उसने निकोलो पोलो को एक पत्र दिया था जिसे ईसाई धर्म के पोप तक पहुंचाना था, लेकिन हुआ ये कि जब तक निकोलो पोलो पत्र लेकर पहुंचे पोप की मृत्यु हो गई। निकोलो ने सोचा एक काम अधूरा रह गया, चलो इटली आया हूँ तो घर भी हो आता हूँ। घर में एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी, पत्नी की मौत हो गई थी और बेटा जवान हो गया था। निकोलो ने सोचा घर में बैठे बैठे बर्बाद होगा, इसलिए मार्को को वो अपने साथ ले गए। कहाँ? वापस चीन। साल था 1271, वेनिस से ये यात्रा शुरू हुई और चीन में जाकर खत्म हुई। रास्ते में मार्को ने जो जो देखा वो नोट करता गया। उसने सिल्क रूट का जिक्र किया, यानी वो रास्ता जो चीन से यूरोप तक जाता था। सफर के दौरान उसने तुर्किश, पर्शियन, अरेबिक, मंगोल भाषाएं सीखी। मार्को ने अपने लिखे में बगदाद का जिक्र किया। अजरबैजान की राजधानी बाकू के बारे में बात करते हुए लिखता है, यहाँ गोल्डन झरने बहते हैं। मार्को जिस गोल्डन कलर के झरने की बात कर रहा था वो असल में तेल था, जिसे मार्को ने पहले कभी नहीं देखा था। आगे उसने पामीर की पहाड़ियों और बादाख्शां का जिक्र किया। बादाख्शां अफगानिस्तान में पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मार्को और उसके पिता ने गोबी रेगिस्तान पार किया, जहाँ से आगे चीन लगता था। जैसा पहले बताया, चीन में उस समय कुबलई खान का राज था। कुबलई खान मंगोलों के पहले सरदार चंगेज खान का पोता था। मंगोलों की शुरुआत बहुत छोटे एरिया से हुई थी, पर जब चंगेज खान का उदय हुआ उसने चंद खाना बदोशों को लेकर धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मंगोलों और चंगेज खान की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक का नाम बताते हैं आपको, हिस्ट्री ऑफ चंगेज खान। कहाँ मिलेगी ऑडियो बुक? कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू एफएम पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए कुकू एफएम आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 कोड। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान को दुनिया जानती थी उसकी निर्दयता के लिए, लेकिन उसका पोता उससे एकदम अलग था। नई चीज़ों, नए लोगों, नए धर्मों को जानने में उसकी विशेष रुचि थी। इसी के चलते उसने मार्को के पिता के हाथों पोप के नाम खत भेजा था, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस संदेश में कुबलई खान ने पोप से इल्तजा की थी कि वे चीन में अपने धर्म और ज्ञान का प्रचार करें। इसके अलावा एक खास चीज़ कुबलई खान ने पोप से मांगी थी, रोम में जलने वाले पवित्र दिए का तेल। ये सब चीज़ें उसे तब मिली जब रोम में नए पोप का चुनाव हुआ। पोप का खत पाकर कुबलई खान बहुत खुश हुआ, इतना कि उसने मार्को पोलो को अपने साथ ही रहने का आग्रह किया। मार्को ने कई साल चीन में गुजारे। कुबलई खान के साथ उसकी दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि उसने मार्को को अपना मंत्री बना लिया। चीन के बारे में मार्को ने अपने लिखे में कुछ दिलचस्प चीज़ों का जिक्र किया है। मसलन मार्को ने लिखा कि चीन में 12वीं सदी में ही फियाट करेंसी का इस्तेमाल होने लगा था। फियाट करेंसी यानी ऐसी मुद्रा जिसके पीछे सोना और कोई कमोडिटी नहीं होती। सरकार ने कहा पैसा है, पब्लिक ने माना पैसा है। ऐसे भरोसे पर फियाट करेंसी का सिस्टम चलता है। पश्चिम में फियाट करेंसी का इस्तेमाल 20वीं सदी में शुरू हुआ, जबकि चीन 13वीं सदी में
नोट चला रहा था। ये नोट कागज के नहीं बल्कि पेड़ की छाल से बनते थे, जिन्हें सुखाकर मंगोलों की एक लाल रंग की मोहर लगाई जाती थी। इसके बाद कई अफसरों के दस्तखत उन पर होते थे, तब जाकर मुद्रा आधिकारिक बनती थी, ऑफिशियल बनती थी। आज सुनने में आम लग रहा है, लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े साम्राज्य के लोग सिर्फ नाम पर विश्वास कर लें। हालांकि एक बात यह भी कि इसी फियाट करेंसी के चलते बाद के सालों में जिनको नुकसान भी उठाना पड़ा वह ये कि बाजार में नकली नोटों की भरमार हो गई, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ना होने के चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया, जिसके चलते मंगोलों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। चीन के बारे में मार्को पोलो ने और भी बहुत सी चीजों का जिक्र किया है, मसलन एक ऐसी चिड़िया का जिक्र है जो हाथी को खा जाती थी। चीन की रूस के साथ लगने वाली सीमा पर आदमखोर इंसानों के पाए जाने की बात मार्को ने लिखी है। हाथी खा जाने वाली बात से ये साफ पता चलता है कि मार्को ने कुछ चीजें बड़ा चढ़ा कर लिखी थी। इस कारण उन पर ये इल्जाम भी लगा कि वो कभी चीन गए ही नहीं। उन्हें निकनेम मिला मिलियों, यानी लाखों झूठ बोलने वाला। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि मार्को ने बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी थी, लेकिन सब कुछ झूठ था, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि तब की ज्योग्राफी का उसने काफी सटीक वर्णन किया है। मार्को पोलो ने अपने लिखे में भारत के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन वो जानने से पहले जानते हैं मार्को पोलो भारत आया क्यों। जैसा पहले बताया गया, कुबलई खान ने मार्को पोलो को अपना मंत्री बनाया था। उन्होंने मार्को को राजदूत का दर्जा भी दिया और सुमात्रा, बर्मा और भारत की यात्रा पर भेजा ताकि वो वहां से जानकारियां लाकर कुबलई खान को दें। इसके बाद मार्को सुमात्रा, सिलोन, श्रीलंका होते हुए भारत आता है। भारत में सबसे पहले वो जिक्र करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। मार्को लिखता है, यहाँ कोई राजा नहीं होता, न लोग कपड़े बनाना जानते हैं, शरीर ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। कोरोमंडल की यात्रा में वो मोती निकालने के दिलचस्प तरीके का बखान करते हैं। मार्को लिखते हैं, कडलकट्टी समूह के लोग तट के पास ही नाव में बैठ जाते, इसके बाद वो जोर जोर से मंत्र पढ़ते। ये शोर इसलिए किया जाता था ताकि पानी में शार्क आदि बड़ी मछलियां दूर चली जाएं। इसके बाद कुछ मछुआरे पानी में गोता लगाते और समंदर से मोतियों को बीन लाते। इस कमाई का 20% वो कडलकट्टी समूह के लोगों को दे देते थे। मार्को ने आगे लिखा, ये कार्यक्रम महज 2 महीने चलता था, लेकिन इसी में इतने मोती इकट्ठा हो जाते थे कि पूरी दुनिया में भारत से मोती निर्यात होते थे। भारत के राजाओं का वैभव देखकर मार्को आश्चर्य से भर गए। तमिलनाडु में पंड्या साम्राज्य के बारे में उन्होंने लिखा है, राजा सोने के आभूषणों से लदा हुआ था, ऐसा लगता था मानो पूरे राज्य की संपत्ति उसने आभूषणों में पहन ली हो। इसी राज्य में लेन देन का एक दिलचस्प तरीका अपनाया जाता था। राज्य का नियम था, अगर किसी ने समय से उधार नहीं चुकाया तो उसे एक गोल घेरे में कैद कर लेते थे और घेरे के बाहर खड़े होते थे उधार देने वाले। जब तक व्यक्ति उधार चुका ना दे वो इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता था, जबकि जिनके पैसे फंसे होते थे उनके पास पूरी आजादी होती थी, वो घेरे में बंद व्यक्ति के साथ जो चाहे वो कर सकते थे। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता था। मसलन मार्को ने दक्षिण में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी का जिक्र किया है, जिनके बारे में वो लिखता है, रुद्रमा देवी को न्याय की मूर्ति माना जाता है। मार्को के मुताबिक जनता कभी किसी राजा से इतनी खुश नहीं हुई जितनी वो रुद्रमा देवी के राज्य में थी। रुद्रमा देवी के ही राज्य में मार्को ने हीरे निकालने के कैसे तरीके का जिक्र किया है, जिसमें इस्तेमाल होता था चीलों का। इस तरीके में लोग हीरों की खदान के ऊपर खड़े होकर अंदर मांस के टुकड़े फेंक देते थे, जिनमें कुछ हीरे चिपक जाते। मांस के टुकड़ों से वहां चीलें इकट्ठा हो जाती। जैसे ही चीलें मांस के टुकड़े लेकर ऊपर आती, लोग जोर जोर से शोर मचा कर उन्हें डरा देते और उनके पंजों से हीरे और मांस के टुकड़े वहीं जमीन पर गिर पड़ते। इस तरह लोग आराम से हीरे इकट्ठा कर लेते। मार्को ने लिखा है, हीरों का पूरे दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। उत्तर भारत का क्या? उत्तर भारत के बारे में मार्को ने सिर्फ इतना लिखा कि अगर वो पूरे भारत की कहानी लिखने लग जाएंगे तो और कुछ लिखने को बचेगा ही नहीं। बहरहाल चलिए जानते हैं आगे की यात्रा में मार्को पोलो कहाँ गया। भारत से वो चीन लौटा, कुछ वक्त वहां रहा, लेकिन फिर घर की याद सताने लगी। कुबलई खान जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन मार्को ने जिद ठान ली। अंत में कुबलई ने इस शर्त पर उसे जाने दिया कि अपने साथ मंगोल शहजादी को ले जाएगा और फारस में उसे उसके ससुराल पहुंचा देगा। फारस में शहजादी को छोड़ने के बाद मार्को पोलो वेनिस की तरफ बढ़ गया। वेनिस जब पहुंचा तब साल था 1294। वहां उसने पाया कि जिनेवा और वेनिस के बीच जंग छिड़ चुकी। वेनिस की तरफ से मार्को जंग में कूद गया, लेकिन जल्द ही दुश्मन फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में मार्को ने एक किताब लिखी, जिसे लिखने में उनकी मदद एक मशहूर इतालवी लेखक रुस्तिकेलो ने की थी। रुस्तिकेलो भी मार्को के साथ जेल में बंद थे। दोनों ने मिलकर दुनिया की पहली बेस्ट सेलर किताब लिखी और जिसने आगे कई घुमंतुओं को इंस्पायर किया। किताब का नाम ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये पहली किताब थी जिसने पश्चिम के लोगों को एशिया से रूबरू करवाया। मार्को का एक बड़ा योगदान था कि उनके लिखे के अनुसार दुनिया का एक नया नक्शा बना, जिसकी मदद से वास्को डी गामा ने भारत तक का नया रास्ता खोजा। और मार्को पोलो का क्या हुआ? 3 साल जेल में रहने के बाद साल 1298 में रिहाई मिल गई। इसके बाद शादी की, 4 बेटियां हुई। आगे की जिंदगी में अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर वेनिस में कीमती पत्थरों का व्यापार किया।
साल 1324 में मार्को पोलो की मौत हो गई, लेकिन घुमंतुओं के लिए हमेशा के लिए मार्को पोलो अमर हो गए। जैसा पहले भी हमने बताया, आगे चलकर अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस के प्रेरणा स्रोत भी मार्को पोलो ही थे। आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही रिचा सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।